Hello everyone, this is Aditya Kishirwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So IIT JAM 2021 का काउंसलिंग बेसिकली चल रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए. क्यों? उनको लग रहा है कि उनके पास अभी मार्कशीट नहीं है. किसी के पास सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, किसी के पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं, किसी के पास फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का अभी तक एग्जाम तक नहीं हुआ. तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि अभी क्या करना चाहिए. क्या उनको लग रहा है, उनको शायद मे भी लग रहा हो कहीं हमारी शीट ना कैंसिल हो जाए. और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कितना टाइम देंगे, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने ऑफिशियल फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो वहाँ पे उन्होंने केवल शायद बहुत कम 15 जुलाई तक का टाइम दिया आई थिंक. तो क्या 15 जुलाई तक टाइम, अगर सपोज एग्जाम नहीं होते कॉलेज के तब क्या होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपके मन में आ रहे होंगे. किसी में ये आ रहा है कि सर मुझे प्रमोशन सर्टिफिकेट मिला है तो मैं मार्कशीट में क्या अपलोड करूं, उन्होंने मुझे मार्क्स नहीं दिया. तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा है. मैं एक चीज आप सबसे कहूंगा कि देखो यार, सच बोल रहा हूँ कि अभी क्या है कि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा अपने उस पर भी ध्यान देना. बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ. अभी क्या है कि थोड़ा सा आप लोग को कॉपरेट करना पड़ेगा. एक्चुअली प्रॉब्लम फेस क्या कर रहा हूँ मैं कि सुबह से रात तक मुझे 50 से 60 कॉल्स आने लगे. तो मैंने नंबर प्रोवाइड किया है आपको इसलिए कि इन केस कोई अर्जेंट आपको कुछ होता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है तब आप कॉल करो. अगर ऐसे आप नॉर्मली कॉल करके एक एक चीज मुझसे पूछने लगोगे तो मेरे पास भी अपना भी मेरा भी यार मतलब सेमेस्टर चलने वाला, तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करो. अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मतलब मैंने मोस्टली ये देखा है कि कोई यूट्यूब जो भी अगर यूट्यूब में कोई भी अगर गाइड करता है आपको तो कभी भी अपना नंबर नहीं प्रोवाइड करता. मैंने नंबर प्रोवाइड किया बट इट डजंट मीन यार आप लोग मतलब, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम आपकी, मैं एक्टिव भी रहता हूँ और जो भी हमारे दोस्त हैं जो आईआईटीज एंड आईआईटीज में सब ने जो काउंसलिंग करा के पहुंचे तो वो सब भी एक्टिव रहते हैं ग्रुप पे. आप वहाँ पे पूछ लो, डायरेक्टली कॉल करना मतलब थोड़ा सा अवॉइड करो. मतलब कि अगर बहुत अर्जेंट हो तो आप कॉल कर लेना, बहुत अर्जेंट हो तो आप कॉल कर लेना, ठीक है. अगर इन केस कुछ और दिक्कत होती तब आप कॉल कर लो, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप लो, ठीक है. पर्सनल मैसेज भी थोड़ा सा अवॉइड करो. ग्रुप पे पूछोगे तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट है वो सबको पता है तो वो सब भी रिप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा. अब मैं बेसिकली बात करता हूँ किस पे, कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो जहां आप जब फॉर्म भर रहे होगे तो वहां ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां पे क्या फिल करना है. जब आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं है या किसी के पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है तो वहां पे चीजें क्या करनी. तो मैं आपको एक मेल दिखाता हूँ जो एक स्टूडेंट ने मुझे मेल मतलब सेंड किया है. बेसिकली उसने क्या किया था, आईएससी को मेल किया था, तो उसी का मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि उसका रिप्लाई क्या था. तो मैं आपको दिखाता हूँ. पहले सबसे पहले आप ये देखो, इधर का पढ़ो. यहाँ पे लिखा है सर आई एम डूइंग बीएससी फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी. ड्यू टू कोविड-19 आवर यूनिवर्सिटी प्रोमोटेड अस इन बीएससी पार्ट टू एग्जाम 2020. माई यूनिवर्सिटी डिड नॉट गिव मी मार्कशीट. माई यूनिवर्सिटी ओनली गिव मी ओनली प्रोमोटेड सर्टिफिकेट एंड मार्क्स आर नॉट गिवन इन प्रोमोट सर्टिफिकेट. Due to this reason, I am not able to fill BSc second year marks in jobs counseling admission form 2021. That's why my admission form is not being submitted. So please solve my problem as soon as possible so that I can submit my admission form. सबसे पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा. Suppose आपने form submit किया, ठीक है, उसके बाद क्या कि वो आपका under review जाता है, मतलब वो आपका officially check होता है कि आपने जो details दी हैं तो जो जो मांगा था basically वो सब सही है कि नहीं. तो in case अभी आपको mail आ जाएगा कि आपका, एक पहले मेल आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अंडर रिव्यू चला गया है, ठीक है. वो चीजों को देख रहे हैं कि आपने जो हिसाब से उन्होंने डिटेल्स मांगी थी क्या उसी के ऑर्डर में, उसी के सीक्वेंस में आपने सब चीजें फॉलो की है कि नहीं. अगर इनकेस नहीं की है तो आपको ये मत सोचना कि हमारी डायरेक्टली सीट कैंसिल हो जाएगी. उसके बाद क्या कि आपको दूसरा मेल आएगा कि आपका अगर कोई चीज गड़बड़ होगा, कोई चीज नहीं सही होगा तो आपको मेल करके इन्फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद आप एडिट कर सकते हो. मैं एक चीज उनसे कहूंगा जो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 10 या 15 में लास्ट डेट दी है तो 10 या 12 मई को फॉर्म फिलअप करूंगा, तो प्लीज अभी ऐसा बिल्कुल मत सोचो. अभी भी आज 28 है, अभी 15 दिन का टाइम है, तो अभी से कर लो. इनकेस कोई मिस्टेक हो जाती तो उनका मेल आ जाएगा, तो अभी ये चीज है, ठीक है. तो आप जैसा देख सकते हो स्टूडेंट ने जो ये क्वेश्चन पूछा था बेसिकली इसका क्या था, सेकंड ईयर में इसको प्रमोशन सर्टिफिकेट मिल गया था, एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ था और बेसिकली मार्क्स नहीं मिला था इसको. तो आप रिप्लाई देख सकते हो क्या है, उन्होंने रिप्लाई किया डियर कैंडिडेट यू आर रिक्वायर्ड मेंशन दिस इन द अंडरटेकिंग दैट सेकंड ईयर 4 सेम मार्कशीट इज नॉट अवेलेबल.
as the university cancelled the examination and do not put any marks in the column for marks and upload the notification received by you from your university for second year mark for sem mark sheet. If you are getting any problem in submitting, there will be error messages. Agar aapka kuch प्रॉब्लम होगा तो एरर मैसेजेस ऑलरेडी आ जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड सबमिट. तो बेसिकली इनका ये कहने का मतलब है, देखो अब मैं फर्स्ट से क्लियर करता हूँ कि टोटली अभी कोई भी स्टेप लेने से पहले आप एक चीज करना, क्योंकि हम हर चीज सेफ साइड खेलेंगे, हमको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से जो भी चीज करना, अभी 15 दिन का टाइम है, तो जो भी करना, अगर बहुत जो जिनको जो प्रॉब्लम होगी एक बार मेल जरूर करना. शायद फर्स्ट डे रिप्लाई नहीं है तो 2-3 दिन कंटिन्यूअसली, और कोशिश करना सब्जेक्ट जो फिल करना मेल में उसमें लिख देना अर्जेंट. तो इससे क्या होता है कि वो बेसिकली रिप्लाई तब जल्दी आ रहे, रिप्लाई आएगा 100% श्योर है. जो कॉलिंग नंबर दिया उसमें आपको 20-25 बार कॉल करते रहना, कॉल करोगे तो कॉल रिसीव होता भी है, ठीक है, लेकिन बहुत ट्राई करना पड़ता है, ठीक है. तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, इनके जो मेल है एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा इन्होंने भी सही से चीजों को समझाया नहीं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इनका कहने का ये है कि सपोज आपका सेकेंड ईयर में आपका प्रमोशन सर्टिफिकेट मिला, मार्कशीट नहीं मिली. ऐसे डीयू वाले स्टूडेंट के साथ कुछ है जो मुझे कह रहे थे, सर हम लोग को थर्ड ईयर में ही ओवरऑल रिजल्ट मिलता है, तो अभी हमारे पास है नहीं, तो उनके पास प्रमोशन सर्टिफिकेट्स होते हैं. देन अभी आपको क्या करना है, फिर उसके बाद अभी आपको सोचना है कि अभी आपके पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है तो ऐड रिकॉर्ड में आप क्या करना, जो भी सब्जेक्ट डालना तो उसमें 0 out of 0 डाल देना, ठीक है, मतलब ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स 0 out of 0 डाल देना. और जब ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है तो उसमें आप अपना प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ठीक है. ये चीज मुझे ये जो मैसेज पढ़ने से ये मुझे लग रहा है, बट अगर आपको ये चीज करना है तो अभी आप क्या करो, एक बार ये चीज को सेम मैसेज में उनको ISC को मेल करो, देन उसके बाद अनकर उनका जो रिस्पॉन्स आता है, मैं एक चीज बहुत क्लियर कह देता हूँ कि प्लीज मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि इनकेस कुछ भी हो जाए तो आप मुझे ब्लेम करो, प्लीज मैं आपके गाइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं हर चीज कह रहा हूँ. कुछ भी करना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब चीजें कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीजें, ये सब मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूँ फिर से कि सेफ साइड, हमें सेफ साइड होके चलना है. तो किसी भी जो मैं बता रहा हूँ इसमें भी आप क्या करना है, एक बार खुद के कंफर्मेशन के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस चीज को मेल पे लिख के उनसे पूछ लो, उनका रिप्लाई का वेट कर लो, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली मेल करना और कॉल भी करना, ठीक है. तो यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको 0 out of 0 अपना ऐड रिकॉर्ड में डाल देना और जो आपके पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है वो डाल देना. अब उन स्टूडेंट को क्या करना है जिनके पास थर्ड ईयर या फोर्थ सेम की मार्कशीट नहीं, अभी तक मिली नहीं, जिनका एग्जाम हो गया, उनके पास क्या है कि PDF फॉर्म में ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वाले क्या कर सकती है कि आप अपना मार्क्स वहां पे अपलोड कर दो, जो आपके पास ऑनलाइन मिला है उसी को अपना ऑनलाइन में क्या करो, ऐड जो वहां पे अपलोड करना है मार्कशीट, आप वहां पे वो अपलोड कर दो, ठीक है. कोई दिक्कत होगी तो आपका एरर का मैसेज आएगा, इनकेस नहीं आता है तो आपका फॉर्म रिव्यू में जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो इन्फॉर्म करेंगे, सफिशियंट टाइम है, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बिल्कुल ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, सफिशियंट टाइम मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है. और आई थिंक किसी ने और मुझसे पूछा था कि सर मेरे पास फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. देन आप कोशिश करो कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का क्या करो. देखो एक और बात है, किसी स्टूडेंट का क्या है कि सेमेस्टर वाइज चलता है, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट भी देखो 3 तरीके के होते हैं, जैसे हमको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट मिलता है, साथ ही साथ एक फर्स्ट ईयर का ओवरऑल रिजल्ट भी मिलता है. तो अगर आपको फर्स्ट ईयर का ओवरऑल नहीं मिला तो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को एक PDF में कंपाइल करो, देन आपको जहाँ पे फर्स्ट ईयर का अपलोड करना है वहाँ वो आप अपलोड कर दो, ठीक है. बाद में जो ओरिजिनल आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर का, कुछ कॉलेजेस नहीं देते, तो उनमें बाद में जब आपका कोई सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो काफी सफिशिएंट टाइम रहेगा, तब आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा. यहां अभी बस इतना आपको जो है आपके पास वो कर दो, ठीक है. आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और कोई क्वेश्चन तो मुझसे नहीं अराइज किया गया था ये कि थर्ड सेमेस्टर की भी अगर मार्कशीट नहीं है तो अभी आप क्या कर सकते हो कि कोशिश करो कि मिल जाए मार्क्स उसका मिल जाए, या ऑनलाइन जो ऑनलाइन रिजल्ट्स होते हैं वो सब मिल जाए. अगर इनकेस नहीं भी मिल रहा है तो अभी आप यही कर सकते हो कि अगर आपके पास प्रमोशन सर्टिफिकेट है तो आप प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, एड रिकॉर्ड में 0 out of 0 ये सब करके कर देना. बट फिर भी मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, इसको करने से पहले एक बार ISC को यही चीज मेल लिख कर भेज देना, मेल का रिप्लाई आ जाए तो ये करना.
आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। अब किसी को कोई भी डाउट होगा तो एक काम करना, इससे क्या होता है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछोगे तो ग्रुप्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के सेम क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी क्लियर होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, बट ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। एक्चुअली मेरे पे अभी मेरा प्रोजेक्ट वर्क, मेरा इंटर्नशिप, काफी कुछ चल रहा है, तो काफी सारा मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जा रहा हूँ, फिर कॉल रिसीव करना बहुत कुछ हो जा रहा है आजकल। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं सोता हूँ तो मुझे नींद में आता है क्या, मेरे को काउंसलिंग चलता है मेरे दिमाग में, काउंसलिंग का फॉर्म, या मतलब इतना कुछ हो गया है ना, मतलब इतना ज्यादा कॉल रिसीव करने से, इतना मैसेजेस का भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो एक चीज मैं आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करोगे तो हम अच्छे से कर लेंगे। ग्रुप पे पूछोगे तो सबका फायदा होगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा कुछ भी है तो आप ISC को अभी भी मेल करो, रिप्लाई आएगा। एक दो दिन में नहीं आता तब भी आप करते रहो, एक दिन में 3-4 मेल करो, कॉल करो 10-20 बार कॉल करोगे तो एक बार उठाएंगे, ठीक है। आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा, आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप पे पूछना, अदरवाइज मेल करना, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।